नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ संदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले सीधा रुख करते हैं श्रीनगर की और वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और वहां की इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आज दोपहर 3 बजे होगी हंगामी बैठक। ज्वाइंट कमिश्नर के तबादले पर किया जाएगा मंथन। मेयर सहित पार्षदों ने खोला है ज्वाइंट कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा। आपको बताते चले कि यहां पर आज तीसरा दिन है जहां पर इनका प्रोटेस्ट जो है जारी है। लगातार मेयर और डिप्टी मेयर कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज्वाइंट कमिश्नर के तबादले पर किया जा रहा है ये मंथन। और आपको बताते चले कि इस प्रोटेस्ट में आज 3 बजे मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और तीसरा दिन चल रहा है और तीसरे दिन ये प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि लगातार उनका ये कहना है कि ज्वाइंट कमिश्नर के तबादले पर यह मंथन किया जा रहा है। उनका तबादला जो है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों, क्या जरूरत आन पड़े कि आज तीसरा दिन भी ये प्रोटेस्ट जो है जारी रखा है और बार बार उनके खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसको लेकर बहुत कुछ निकलकर सामने आता है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो या फिर बिल्डिंग को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो या फिर तमाम ऐसी चीजों को लेकर हो। तमाम चीजें जो है इसके बीच में आती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल ये प्रोटेस्ट जारी है, तीसरा दिन है। आपको बार बार बता रहे हैं कि आज उनका तीसरा दिन भी ये प्रोटेस्ट जो है जारी है, आखिरकार क्या कुछ कारण है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर की ओर और हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद तंजुम्बल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। तो तंजुम्बल आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें वहां पर आज तीसरा दिन है मेयर और डिप्टी मेयर का ये प्रोटेस्ट जो है जारी है, आखिरकार क्या कुछ कारण है। संदीप, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर 35 से 370 खत्म होने के बाद उस वक्त कुछ लोग कॉर्पोरेशन में इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला की हैसियत थी कि आप लोग एक प्रत्याशी को ट्रांसफर करने का हक नहीं रखे, लेकिन बहर के डेमोक्रेसी है और सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया और इस डेमोक्रेसी के जश्न में जुनेद असमत मेयर और उसके बाद शेख इमरान डिप्टी मेयर भी गुजरता गया और उसका 3 दिन को लगातार जारी है। और जुनेद का गिला शिकवा है कि उनका ज्वाइंट कमिश्नर मनसूबा बंदी का प्लानिंग मीर जो है वो शहर में नाजायज तामीरात पर गिराई कर रहे और मकानात कमर्शियल्स को बनवाने जो परमिशन वगैरह चाहे थे उन्हें देने में का सामना करता है। इसमें तीसरे दिन लगातार मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, एडवाइजर दानिश शफात और बाकी लोग जो है वो कीमा जन है कॉर्पोरेशन के खाते में और मुतालबा एक ही है कि फिलहाल ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन मीर को तब्दील किया जाना चाहिए, जिस पर कमिश्नर मुतलका अथर अमीन के साथ साथ डेवलपमेंट मिनिस्टर सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जिद है। वो कहते हैं गुलाम हसन मीर महकमे प्लानिंग से ताल्लुक रखते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है, उनका कामकाज करने का तरीका गलत नहीं है। जिसके बाद इस एहतियात में शिद्दत आई, रात के दौरान लगातार एहतियात जारी है, दिन में एहतियात जारी है। आज तीसरा दिन है लेकिन तीसरा दिन दोपहर 3 बजे अब इजलास तलब किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से, जिस तरह से ऐसा हंगामी इजलास तलब किया जाता है और इसी तरह का इजलास मुश्किल हालात में किया जाता है, इसी तरह म्युनिसिपल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके हिसाब से 3 बजे जो इजलास होगा वो ऐवान होगा बल्कि पूरे इसी अंदर होगा जिस छत के नीचे जिस जगह पर इस वक्त शामिया ने बैठे डिप्टी मेयर, एडवाइजर्स, काउंसलर्स और 3 बजे एक ही रेजोल्यूशन लाया जाएगा कमिश्नर प्लान किया जाए। अथर अमीन प्रिंसिपल भी जुनेद अजीम मतलब कहते हैं कि उन्हें तजुर्बा नहीं है, आई एस ने मतलब ये किया कि शहर की ड्रेनेज चीजों को समझे आप सीखने के लिए अथर अमीन को एक किया जाएगा। धीरज गुप्ता तार जो कमिश्नर है जिनकी करीब है बहुत ज्यादा है वो पाबंदी के साथ साथ अब जो धीरज और नाराबाजी में कमिश्नर और नाराबाजी जारी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तंजुबल की जिस इस महामारी की अगर बात करते हैं तो अभी कोविड-19 भी चल रहा है और उस बीच की अगर बात करें तो ये प्रोटेस्ट को आज 3 दिन हो चुके हैं, तो क्या इन लोगों को हम ये कहें कि उन्हें महामारी का डर नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर में महामारी में ही जुनेद अजीम मतलू मेयर बना, तब भी कोविड बहुत ज्यादा था और वोट डालने की इजाजत दी गई, बाकी प्रभाव में थी, सिर्फ जुनेद अजीम मतलू के मेयर बनने पर कोई पाबंदी नहीं थी। और उसके बाद जब आज जुनेद अजीम मतलू को इस महामारी में, क्योंकि वो महामारी में ही मेयर बने हैं,
मोशन लूज करने के बाद दोबारा जीते हैं। उसमें सब ने कहा था इलेक्शन मत कराओ, लेकिन इलेक्शन कर दिए गए। और किस तरह बनाए गए मैं थोड़ा सा बता दूं, उस वक्त जो जुनेद से मतलब के साथ लोग नहीं थे उन्हें बाहर निकाला गया जी। और हंगामा होता रहा घंटों तक, लेकिन अंदर जितने लोग जुनेद के पास थे उन्हें वोट डाला और बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन, जीत गया जुनेद से मतलब। उसके बाद जुनेद से मतलब इसी महामारी में प्रोटेस्ट पर है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, किसी चीज का पास लिहाज नहीं है। लेकिन जुनेद से मतलब कहते हैं और सही कहते हैं कि उन्हें तमाम इख्तियार है क्योंकि लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है। शहर को जेसीबी के हवाले नहीं कर सकते, जांच के प्लानिंग के हवाले नहीं कर सकते, लेकिन महामारी में वो लोग कहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज का ख्याल रखते हुए तमाम मलबात पूरे करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ना 3 बजे इजलास तलब करते वक्त उनका जो रेजोल्यूशन होगा उसको कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट पास करने में मदद करते हैं या नहीं करते, नहीं तो हंगामा जो है वो आगे भी जारी रह सकता है। जी तंजुम्बल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तंजुम्बल, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी जो है बताई और साफ तौर पर ये बताया कि किस तरह से वहां पर जो है 3 बजे ये मीटिंग आज होने जा रही है और उस मीटिंग में जो है पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और वहीं पर साथ ही साथ अगर वहां पर ये मीटिंग में कुछ भी निकल कर सामने नहीं आता है, कोई भी नतीजा जो है इसका नहीं निकलता है, तो ये हंगामा जो है उसी तरह से जारी रहेगा। तो चलिए इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, अब आपको सांबा की ओर ले चलते हैं और वहां से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कोविड हॉस्पिटल में तब्दीली, सांबा के जिले अस्पताल का कम हुआ लोड। वहीं पर कोविड के 2010 मरीजों में से 27 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। बहुत ही अच्छी खबर जो है सांबे जिले से भी सामने आ रही है। वहीं पर जिला में 5 दिनों में कोरोना से कई भी मौतें जो है वो नहीं हुई है। वहीं पर इस कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी अब राहत की सांस जो है वो ले ली है। सबसे बड़ी खबर जो है वो सांबा से निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अगर आंकड़े की बात करें तो वो कुछ दिनों पहले का आंकड़ा देखा जाए तो 5000 से पार जा पहुंचा था। उसी बीच सांबे की अगर बात करते हैं तो वहां से भी लगातार केस जो है निकलकर सामने आ रहे थे और डेथ रेट के आंकड़े की अगर सांबा की ओर से बात करें तो वो भी वहां से निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अब वहां पर कहीं ना कहीं राहत बड़ी सांस जो है वो लोग भी ले रहे हैं, तमाम कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ भी ले रहे हैं क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है और कोई भी मौत जो है कुछ दिनों से वहां पर नहीं हुई है और साथ ही साथ आंकड़े में भी कमी देखने को मिली। और तमाम जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ही ऋषि खजूरिया हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर सबसे ज्यादा खुशी जो है तमाम वहां पर लोगों को होगी क्योंकि एक रिलैक्सेशन जो है वहां पर मिल चुकी है, केसेस जो है कम नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है या फिर ये कहें कि लोग जो इस बात को समझ चुके हैं कि अब एहतियात बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपने इसमें एक ही उपाय कि जब तक आप लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो आपको इस वायरस से निजात नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जिला सांबा में स्थितियां जो अनुकूल होना शुरू हो चुकी है, लगातार राहत देखने को मिल रही है और जो पॉजिटिव मामलों का ग्राफ है ये पूरी तरह से नीचे भी आ रहा है। हालांकि पिछले कल की अगर बात करें तो थोड़े से मामले पहले 2 दिनों के मुकाबले कल ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये मामले डबल फिगर्स में आ चुके हैं। लगातार जो 100 का आंकड़ा क्रॉस हो रहा था, 200 को क्रॉस हो रहा था, उस चीज से हमें काफी राहत मिली है और जो लगातार रिकवरीज है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। और कल भी अगर बात करें तो 161 रिकवरी जो पूरे जिला सांबा में रिपोर्ट हुई है, जो 24 घंटे का डाटा अभी हमारे पास आया है। और उसी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि जो डेथ रेट है वो जिला अस्पताल सांबा से जो अब रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले 5 दिन से कोई भी यहां पर डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। हालांकि पूरे जिला में जरूर एक दो डेथ रिपोर्ट हुई है लेकिन वो बाहरी अस्पतालों में रिपोर्ट हुई है, लेकिन इस अस्पताल ने जो इस समय पूरे पैंडेमिक में काम किया है मुझे लगता है कि काफी अच्छा काम किया है, लोगों ने काफी इसका काम सराहा है। और खासतौर पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस की बात करें जो दिन रात यहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने भी एक अच्छा अपना जो है वो अपनी ड्यूटी निभाई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ के डॉक्टर जो है वो थोड़ी राहत की सांस भी ले रहे हैं, थोड़ा लोड जो है वो इस अस्पताल पर जरूर अब कम होता हुआ दिख रहा है। मात्र 28 ही पेशेंट अब इस अस्पताल में भर्ती है जो अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद करा दूं, ये वो पेशेंट है जो लगातार क्रिटिकल कंडीशन में इन अस्पतालों में आते हैं, जिनको ऑक्सीजन में काफी ज्यादा कमी होती है, सैचुरेशन लेवल लगातार डाउन होता है। तो धीरे धीरे इन पेशेंट ने रिकवर करना शुरू हुआ और यहां से अभी तक 127 पेशेंट रिकवर होकर जा चुके हैं। 210 पेशेंट अभी तक इस अस्पताल में भर्ती हुए जब से कोविड की ये दूसरी लहर जो आई थी। लेकिन अब जो हालात है वो धीरे धीरे सामान्य हुए हैं, लेकिन
हमें यह समझना होगा, जिस तरह से लोगों ने अपने समझना शुरू कर दिया है कि वाकई में जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक इस वायरस से नहीं बच पाएंगे, लेकिन अब लोगों ने धीरे धीरे इस चीज को समझा है, लोगों ने इस चीज का पालन किया है, लगातार जो एसओपी जारी की गई, जो गाइडलाइन जारी की गई उनका लगातार पालन किया जा रहा है, और आज यही वजह है कि जिला सांबा इस पोजिशन पर पहुंच चुका है, और उम्मीद है कि ये पोजिशन इसी तरह से स्टेबल रहेगी और आने वाले दिनों में जो रिकवरीज का ग्राफ है ये और ज्यादा ऊपर आएगा और एक्टिव मामलों का ग्राफ जो है वो कम आएगा। हालांकि आपको बता दें कि पिछले अगर एक हफ्ते का डाटा मैं आपको बताऊं तो एक्टिव मामले पिछले हफ्ते के आसपास 2600 के आसपास थे, लेकिन अब ये डाटा कम होकर लगभग 1800 के आसपास ये एक्टिव मामलों का ग्राफ पहुंचा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने एक पालन किया है और दूसरी तरफ टेस्टिंग रेट को बढ़ाया गया है, शायद यही वजह है कि आज हम थोड़ा सा जो ये पूरा माहौल है उसे संभालने में पूरी तरह से कामयाब भी साबित हुए हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं ऋषि यहाँ पर कि देर आए दुरुस्त आए, अगर कुछ समय पहले ही लोग इस बात को समझ जाते तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है इतने, इसका ग्राफ जो है वो इतना हाई जाता हुआ नजर नहीं आता। वहीं पर देखा जाए तो अब क्या लगता है कि इसी तरह से अगर लोग जो है यहाँ पर प्रशासन का साथ देते रहे तो कहीं ना कहीं वो समय भी दूर नहीं है कि सांबा या फिर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो इस कोविड महामारी से निजात पाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही एक सवाल पूछा आपने, मैं आपको बता दूं कि जब पहली लहर आई थी तो तब भी जिला सांबा एक ऐसा जिला बना था जो सबसे पहले कोरोना से उभर कर सामने, और अब भी ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राफ है ये पॉजिटिव मामलों का कम हो रहा है, लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है, और प्रशासन भी लगातार लोगों से ताबून बनाए हुए है, लोगों से अपील कर रहा है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और इस वायरस को अगर कंटेन करना है तो कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि शायद अब कलेक्टिव एफर्ट लोगों ने लगाया है, और सांबा जिला के लोगों ने प्रशासन की भी काफी ज्यादा प्रशंसा की है, खासतौर पर जो डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी हैं जिन्होंने दिन रात एक करके यहाँ पर अस्पताल में वक्त दिया, दिन रात यहाँ पर वो मौजूद होते थे, जब हम कवरेज के लिए जाते थे, जब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा था, यानी वक्त वक्त पर उन्होंने हर एक सुविधा को सुचारू करने का प्रयास किया है। अपने जो आला अधिकारी है उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी तरह से इस वायरस को कंटेन करना है, और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी जो हिदायतें इन प्रशासन की अधिकारियों को मिली वो उन्होंने सारी उस परिस्थितियों को संभाला, और आज ये थोड़ा से जो हालात है ये बदलना शुरू हुए, लेकिन उम्मीद है कि अभी भी लोग पूरा प्रशासन का साथ देंगे और आने वाला वक्त अच्छा होगा, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं, और सांबा जिला एक बार फिर से कोविड से उभर कर बाहर आएगा और यहाँ पर जिंदगी जो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। इसी के अगर देखा जाए तो दूसरी लहर ही बहुत ज्यादा घातक जो है यहाँ पर साबित हो रही है, और अगर तीसरी लहर की बात करें अगर वो यहाँ पर आती है तो क्या वहां पर तमाम हॉस्पिटल जो है तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से 3-4 दिन पहले जब एलजी मनोज सिन्हा जी ने इस अस्पताल का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है उसकी पाइपलाइन 50 बेड तक सीमित है, उन्होंने कहा था कि हमें तीसरी वेव का जो वो सामना करना पड़ सकता है उसके लिए हमें पहले ही तैयारियां करनी है, और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे कि आप लोग जो पाइपलाइन है इसे और ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ाइए, क्योंकि 1000 LPM की कैपेसिटी का ये प्लांट है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर DPR बनाइए और इसका काम शुरू करवाइए ताकि अगर कोई आपदा की स्थिति दोबारा से आती है, तीसरी वेव आती है, तो हम उसका मुकाबला कर सके, हम पहले ही सक्षम होंगे तो हम इस वायरस को कंटेन कर पाएंगे। तो तैयारियां तो जो है वो कर ली गई है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर तैयारियां करने की जरूरत है, जिस तरह से कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए, मुझे लगता है कि अगर तीसरी वेव आती है तो शायद हम उसका डट का मुकाबला कर सकते हैं, जिस तरह से अभी पूरे बंदोबस्त जो किए गए हैं अगर इसी तरह से स्टेबल रहते हैं और प्रशासन का जो ध्यान है वो इस पर पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथी ऋषि खजूरिया, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी जो है वो दी और बताया कि किस तरह से अगर सांबा जिले की बात करते हैं तो आखिरकार वो भी बिल्कुल रेडी है कि किस तरह से अब अगर तीसरी लहर यहां पर आती भी है तो उससे हम लड़ सके। तो चलिए इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, अब हम सीधा रुख करेंगे पुंछ की ओर, और जो पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, बता दें आपको कि जिला पुंछ में LOC के जंगल में फिर लगी भीषण आग, मेंढर में LOC पर लगी आग से बारूदी सुरंगों पर विस्फोट से दहशत, दूर दूर तक गूंजी धमाकों की आवाज से सहमे लोग, आग बुझाने में जुटा सेना का अमला, LOC पर अलर्ट। आपको बता दें चले कि आखिरकार अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है कि आखिरकार LOC के जंगलों में आग जो है वो किस तरह से लगी, और वो आग इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई, और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग जो है दूर तक उसकी धमाके की आवाज जो है गूंज रही थी और लोग जो है दहशत में आ गए, क्योंकि आखिरकार इतनी ज्यादा आग बढ़ रही थी और
इसे बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसे बुझा नहीं पा रहे थे। इस बात की पुष्टि जो है अभी तक पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पाई है। तो आखिरकार तमाम जानकारी लेंगे हमारे साथी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कारण था कि वहां पर आग जो है किस कारण लगी। तो चलिए जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार इस बात की पुष्टि जो हो पाई है कि उन जंगलों में आग जो है किस कारण लगी। जी जमशेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से अगर हमारी बात जो है जमशेद मलिक से नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ उनसे तमाम जानकारी जो हम लेंगे कि आखिरकार इस बात की पुष्टि जो है वो हो पाई है या नहीं कि एलओसी के जंगलों में आग जो है वो किस तरह से लगी है, क्योंकि हर बार ये इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाती। इससे पहले भी अगर आपको बताते चले कि ये साजिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है या फिर किसी कारण वहां पर आग लगी, इस बात की पूरी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई कि एलओसी के जंगलों में आग किस तरह से लगी। और वहां के अगर लोगों की बात करें तो वो काफी ज्यादा यहां पर डरते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा दहशत में हैं कि आखिरकार उनकी धमाकों की आवाज की अगर बात करें तो उससे ही वो लोग डर चुके थे। और वहां पर रहना वैसे ही बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होता, और अगर बॉर्डर इलाके की हम बात करें तो वहां के लोगों में वैसे ही डर रहता है, क्योंकि वहां पर कभी भी अंदाजा नहीं होता था कि किस तरह कब वहां से गोली जो है वो चल जाएगी और कब हमारे घर की छत को लगेगी। खैर, अगर वहां की बात करें तो 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक वहां पर सीज फायर को उल्लंघन जो है वो नहीं किया गया। लेकिन चलिए बात करते हैं, हमारे साथ जमशेद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी देते हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण रहा कि एलओसी के जंगलों में आग जो है वो लगी। संदीप, बिल्कुल, ये अगर कही कि पिछले कई वर्षों से हम देखते आए हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक जंगलों में आग लगती है, और आज भी मेंढर के एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर बहुत भयानक आग लगी हुई, जिसमें कई धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। इससे पहले हमेशा हम देखते आए कि ये आग पाकिस्तान की तरफ से हमेशा लगाई जाती थी, क्योंकि जो माइन बिछे हैं इनको डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसके बाद माइन में धमाके होते हैं जिससे ये डिफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये कहें कि मेंढर में सिर्फ इससे पहले, या सीज फायर की अगर बात करें, या मेंढर में इससे पहले जो तस्करी हुई, क्योंकि इससे पहले स्मगलिंग होती रही, हथियारों की स्मगलिंग, उससे बड़ी चीज जो मेंढर लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिलती थी वो ड्रग्स की स्मगलिंग थी। और यह भी माना जा सकता है कि ड्रग्स माफिया की तरफ से इस तरह का काम किया गया हो, क्योंकि इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल जो फॉरवर्ड पोस्ट है, यहां माइन काफी अरसा से बिछी हुई है और उनको साफ करने के लिए इनमें धमाके हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा धमाके हुए हैं। यह भी माना जा सकता है कि ये जो ड्रग्स माफिया अक्सर हैं यही आग पे लगा सकते हैं। मगर इससे पहले देखते आए हैं कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से आग लगाई जाती थी। हमें ये भी नहीं हम कह सकते कि ये पाकिस्तान की तरफ से आग नहीं लगाई गई है, क्योंकि आग बिल्कुल उस तरफ से इस तरफ आ रही है, बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर से शुरू हुई है। लगभग इसमें 1 से 1.5 किलोमीटर का जंगल ऐसा है जिसमें इस वक्त भयानक आग लगी है, और सेना की तरफ से लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर बरस सेना की तरफ से इस आग पर काबू पाया जाता है। मगर आग बहुत भयानक आग लगी हुई है जो काफी लंबे एरिया के जंगल में लगी है, जिसमें कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही है, और देर रात से ही आग अभी तक चल रही है। जी जमशेद, अगर वहां पे जंगलों की अगर हम बात करें तो तमाम जंगली जानवर भी वहां पर रहते हैं, क्या उस प्रकार की कोई खबर आ रही है, किसी को कोई नुकसान? अगर ये कहें कि जंगली जानवरों के लिए आग बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जरूर होता है, और जंगली जानवर हमेशा जब जंगलों में आग लगती है तो वो बस्ती का रुख करना शुरू कर देते हैं, और कई वाक्य हमने ऐसे देखे भी है जब जंगलों में आग लगती है तो जंगली जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। मगर अभी किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई, मगर बहुत बड़ा नुकसान जो जिसकी खबर आ रही है वो है हमारा जंगल जिसमें आग लगी हुई है, क्योंकि हमारे जंगल में हर बरस इन इलाकों में आग लगती है, मगर इस बार बड़ी भयानक आग लगी हुई है जो बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, जो फॉरवर्ड पोस्ट है उनके नजदीक लगी हुई है। मगर किसी रिहायशी घर को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, किसी माल मवेशी के नुकसान होने की खबर नहीं है, मगर जमीन में धमाके जोरदार सुनाई दे रही है, क्योंकि माइन में ब्लास्ट हो रही है इस इलाके में। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह जंगलों की अगर हम बात करें तो जंगल इलाके में जो जानवर हैं इनको हर बार इसके काफी नुकसान पहुंचता है, मगर उसके बाद इन जंगली जानवरों का रुख हमेशा इंसानी बस्तियों की तरफ देखने को मिलता है। अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, मगर काफी भयानक आग लगी है जिस पर सेना की तरफ से लगातार इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जिंदी जी जमशेद, अगर देखा जाए तो पहले भी जो है वहां पर आग लग चुकी है, लेकिन अभी तक इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि क्यों नहीं हो पाती कि आखिरकार वहां पर आग जो है वो किस कारण लगती है?
नहीं, आग लगने के कारण जिस तरह मैं पहले भी बता रहा हूँ, लगातार पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर घुसपैठ करवाने की कोशिशों को लेकर आग लगाई जाती थी ताकि जो जमीन में माइन बिछे उनको उनमें धमाके हों। मगर पिछले 3 महीने से सीज फायर के बाद, हालांकि राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं से सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान की मंशा जरूर रहती है इसमें कि वो इस एरिया को साफ कर दे, क्योंकि पाकिस्तान कब दोबारा कोई हरकत करे ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश करवाने के लिए भी जंगलों में आग लगाई जाती है, जो जमीन के अंदर माइन बिछे इनमें धमाके हो जाए उससे रास्ता साफ हो जाए, मगर सेना इनकी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रही है। लगातार सेना की तरफ से इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हर साल हम देखते हैं कि इस जंगल को आग लगाई जाती है जिससे इस जंगल को काफी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल जमशेद, दाद देनी पड़ेगी हमारे जवानों की, हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे साथी जमशेद मलिक, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी जो है वो दी और बताया कि आखिरकार अभी तक वो आग को बुझ नहीं पाई है, उसे बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पूरी कोशिश है कि आग को बुझा दिया जाएगा, और अगर अपने जवानों की बात करते हैं तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर है। तो चलिए अब आगे की खबर की ओर रुख करते हैं। वहीं पर आपको बताते चलें कि जम्मू में DRDO द्वारा बनाया गया 500 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इसका उद्घाटन कर मनोरंजन के समर्पित किया है। वहीं पर अस्पताल में ड्राइंग ड्रेन से सभी सुविधाओं की समीक्षा करने के बाद यहां मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। DRDO के यहां अस्पताल 500 बिस्तरों की क्षमता का है, जिनमें से 125 बिस्तर ICU के हैं, और अस्पताल में CT स्कैन मशीन लगाने का सभी प्रस्ताव जो है वो जारी हो चुका है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लगाई जाएगी। शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल, ये DRDO की मदद से बनाया गया है, और इस 500 बेड में 125 बेड ICU के बेड हैं, और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है, ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ट्रायल रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं DRDO के, उन्होंने इतनी तेज रफ्तारी से काम किया, और न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। सबके लिए ओपन है, लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड हैं। जैसे जैसे हमको वैक्सीन आएगी, हमें स्लॉट्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाएंगे। फिलहाल हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, वकील आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, जिनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक के साथ, जिनको संक्रमण का ज़्यादा संभावना रहती है, तो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखिए, 125 यहाँ पर ICU बेड्स हैं, जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट्स अवेलेबल है, और इसके अलावा जो बाकी 375 बेड यहाँ पे बनाए गए हैं, सभी में मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। तो जाहिर सी बात है, कोविड सिचुएशन में ये अस्पताल लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग काफी शांत है, अगर 1500 बेड का जम्मू में बनाया जा रहा है, 1 कश्मीर में बनाया जाएगा, जम्मू वाला तो उनका तैयार हो गया, तो कश्मीर वाला कब तक बनते तैयार हो गया? देखिए, श्रीनगर में भी हमारी टीम जो है रात दिन इस काम में जुटी हुई है, और हमारी कोशिश है पूरी टीम की कि जल्द से जल्द इसको श्रीनगर की जनता के लिए वहाँ पर डेडिकेटेड किया जाए, और होपफुली 1 हफ्ते के अंदर शायद वहाँ पर भी जो है फैसिलिटी बनकर के तैयार हो जाएगी। दौर में लगाई गई पाबंदियों की वजह से व्यापारी वर्ग अश से वर्ष पर आ गया है। व्यापारियों के साथ साथ दुकानदार वर्ग भी पाबंदियों की वजह से बेहद आहत हुआ है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पदाधिकारी और व्यापारियों की माने तो पाबंदियों की वजह से जम्मू सुबह ही अभी तक करीब 5000 करोड़ रूपए का नुकसान झेल चुका है। दूसरी ओर ट्रांसपोर्टरों का धंधा भी बंद हो चुका है, और टैक्स के अलावा इंश्योरेंस बैंक की किस्तें और चालकों के कंडक्टर का वेतन देना भी मुहाल हो गया है। इस समय क्लैप्स है, और मुझे अपना अंदाजा जो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं एज चैम्बर प्रेसिडेंट, मैं यही कहूंगा कि जम्मू डिवीजन का जो लॉस है एटलीस्ट वो कम से कम 5000 करोड़ रुपए का मैं इस समय एक्सेस कर रहा हूं। कोई एक दिन भी अगर आप कहेंगे कि टेबल आइटम्स की जो ये जो वेंडर्स हैं ये एक दिन भी अपना काम नहीं कर पाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इनके लिए कोई स्पेशल पैकेज जो है वो गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए। आप इसको देखें, अगर से अनुमान को लगाना चाहें इस नुकसान का, तो ये कई 1000 करोड़ का बन जाएगा। और आम दुकानदारों की बात करें तो इनके अंदर भी देखें,
इन्होंने भी जब पिछले लॉकडाउन में 3-4 महीने इनका दुकानें बंद रही, इस बार भी 1 महीना हो गया है। इन्होंने अपने नौकरों को तनख्वाह दी है, अपने घर का खर्चा चलाया है, बैंक की किस्तें दी हैं, जिसने गाड़ी किराए पे ली, गाड़ी किस्तों पे ली हुई है वो गाड़ियों की किस्तें दे रहा है। जब कमाई नहीं हुई तो वो बेचारा कहाँ से भरेगा। व्यापारी की तो बिल्कुल कमर टूटी हुई है, और इसीलिए हम आपके माध्यम से यही एक गवर्नमेंट से अपील करेंगे, यूनियन मिनिस्टर से भी करेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर से भी करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि व्यापारियों का ध्यान दें। खाली जो हमें किस्ती गाड़ी की देनी पड़ती है, करोड़ों की तादाद में अगर हमारा हमें पैसा आएगा तो हम बैंक की किस्त देंगे, ट्रांसपोर्ट का जो टैक्स है आरटीओ ऑफिस का वो करोड़ों की तादाद में है जो हमें देना पड़ता है। तो खासकर हमारा जो वर्कर्स है जैसे ड्राइवर और कंडक्टर, तो बेचारा वो भूखे मर रहा है। आज आप देखिए, 1 साल पहले भी वो बेचारा भूखा रहा, लेकिन ये जो अभी 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अगर हम इनको बना के दिखाएंगे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो वो अरबों में जाएगा, क्योंकि 75,000 व्हीकल्स हैं जिस जो जब ये चलती है तो इसके साथ ड्राइवर कंडक्टर मालिक और तरह के काफी, जैसे स्पेयर पार्ट्स वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, तो काफी फैमिलियां जो जुड़ी होती हैं। और हैंडसम टैक्स हम सरकार को देते हैं, लेकिन इस दौर में हमारी इतनी बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो सो चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कम से कम दुकानों के किराए हैं और जो सैलरी है और जो बैंकों के इंटरेस्ट है, जो बिजली के किराए हैं, देने के लिए माफी देनी चाहिए, ताकि जो जो मेरे व्यापारीगण हैं उनको लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, और जैसे दुख की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं, और वैसे ही दुख की घड़ी में सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी होनी चाहिए। कोविड 19 के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में काफी ज्यादा असर पड़ा है, परंतु अभी भी जो श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 500 से 600 श्रद्धालु मां के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली से आए श्रद्धालु ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड 19 के चलते कटरा तक पहुंचने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह रोक कर जांच करवाने के बाद वह माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कटरा में बाजार बंद होने से उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनकी काफी मदद की, जिसके लिए वह उनके आभारी हैं। जी, मेरा नेम लिपिका खरबंदा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं पूरी फैमिली, और मैं यही कहना चाहूंगी, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, हमने अपने फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा लूज करे हैं। अब हम भी बहुत ज्यादा कठिन रास्तों से आए हैं, हर जगह चेकिंग हो रही है, हर जगह कोरोना की रिपोर्ट्स मांगी जा रही है। हमने 2 जगह तो टेस्ट करवाया है सारी फैमिली ने दोबारा, और यही है कि आप बस अपनी सेफ्टी रखो, जहां भी आप जा रहे हैं सैनिटाइज करते रहे सब कुछ अपना। जब बुलावा होता है तो देखिए जाना तो पड़ता ही है, हम भी बहुत मुश्किल से रूटीन वगैरह अपना बनाकर आए हैं, हम सब परेशान थे, हमें इधर आना ही था, तो माता रानी का बुलावा है उसमें तो हम आएंगे, पर जो भी है अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले आप अवेयर रहें, फिर जाके अपना मन बनाए कहीं भी जाने के लिए। सैनिटाइजर्स यूज करते रहें, सैनिटाइजर्स मेन है, मास्क ना उतारें, और जितना भी है सेफ्टी पहले है, अपने आसपास वालों को भी सेफ रखें और खुद भी सेफ रहें। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।